Yes, coming. मास्क उतार दीजिए, बैठिए. थैंक यू सर. रविंदर सिंह राव. यस सर. लेक्चरर हैं आप? जी सर. केमिस्ट्री? जी सर. गाने गाते हैं? जी सर. कौन से गाने गाते हैं? सर, सॉफ्ट बॉलीवुड म्यूजिक. सॉफ्ट बॉलीवुड म्यूजिक और जगजीत सिंह जी की कुछ. आपकी तो आवाज़ बहुत कम है यार, गाना कैसे गाते हैं? सर, सॉफ्ट बॉलीवुड म्यूजिक और जगजीत सिंह जी के गाने. कैसे होते हैं ये सॉफ्ट? सर, जो इसमें जो ज़्यादा बीट नहीं हो. ज़्यादा बीट नहीं है? जी सर. गा के सुनाओ. झुकी झुकी सी नजर बेकरार है के नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है के नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है के नहीं, झुकी झुकी सी नजर. अच्छा गा लेते हैं आप, आवाज आपकी अच्छी है. थैंक यू सर. सॉफ्ट वॉइस. केमिस्ट्री से गाना गाने का कॉम्बिनेशन कैसे बैठा ये? सर, गाना गाना बचपन से मेरा शौक था. मैं कभी भी स्कूल वगैरह में कोई भी फंक्शन होता था तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था. पहले स्कूल में जब जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त का फंक्शन होता था तो उस समय मैं देशभक्ति गाने गाता था, और फिर धीरे धीरे जगजीत सिंह जी के गानों ने मुझे अच्छे लगते थे तो उनको गाना शुरू किया. और केमिस्ट्री बाद में सब्जेक्ट लिया तो सर, केमिस्ट्री भी एक केमिस्ट्री के अंदर भी जैसे प्रैक्टिकल करके कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई नया रस आता है, अच्छा लगता है कभी जब कोई रिजल्ट आता है. तो गानों के अंदर भी सर, जब कोई गाना मन को छू जाता था तो अंदर से एक शांति मिलती थी, तो धीरे धीरे और गानों में रुचि भी बढ़ी साथ साथ दोनों. या आपने कानों में क्या पहन रखे हैं? सर, कानों में लौंग कहते सर हमारे यहाँ. क्या इतिहास है इनका? सर, हमारे समाज में जनरली जो बचपन में ही बच्चों को पहना दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि जो सांस संबंधी बीमारियां होती है उनके लिए ये कान छिदवाए जाते हैं, तो मम्मी पापा ने छिदवा दिए थे बचपन में ही. तो इसलिए आप अभी तक पहने हुए हो. आप साइंस के स्टूडेंट हो और ऐसी बातों पर आप विश्वास करते हैं? सर, ऐसी बात नहीं है कि मैं इन चीज़ों के इस वजह से मैंने पहन रखे हैं कि मैं ये ऐसी कोई बीमारी के इलाज में ऐसा कुछ काम आता है. लेकिन क्या है कि मम्मी पापा की जो फीलिंग्स है उसका भी मान रखते हुए मैंने पहन रखे. बीच में मैंने खोल दिए थे लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि तू अच्छा सही नहीं लग रहा है, इतने टाइम से पहन रखा तो पहन ले. तो मदर की बात को रखने के लिए मैंने वापस पहन लिया. कुछ ऐसा मैंने महसूस किया है सोसाइटी में कि दोनों कान में पहने तो अच्छा और एक कान में पहने तो बुरा. जी सर, क्या विचार है? सर, आजकल क्या ये कुछ फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है. कुछ लोग तरह तरीके के कान के अंदर पहन लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चमकीला और ऐसे, और एक कान में पहनते हैं, और थोड़ा एक फैशन का सिंबल बन गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको अलग वे में ले लिया जाता है. चलिए, कैजुअल बातें हो गई. आप बताइए, आरएस में क्यों आना चाह रहे हैं? सर, राजस्थान, आरएस जो है राजस्थान की सबसे प्रीमियर सर्विस है, और मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ गोगुंदा से, वहाँ से प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी भी काफ़ी कम है, और ख़ासकर लोगों में एक माइंड सेट है कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं और हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हम नहीं कर सकते. मेरे गांव में भी मैंने देखा, मैं गांव का पहला लड़का हूँ जो आरएस इंटरव्यू दे रहा हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि ये माइंड सेट एक तो टूटे, और दूसरा सर ये है कि मेरा खुद का एक सपना है कि मैं जीवन में और आगे बढ़ूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वास्तविक आपकी बात है वो बताओ, आप आरएस क्यों बनना चाहते? सर, वास्तविक बात भी यही है, और दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में और उन्नति करूँ आगे से आगे. फिर आरएस के बाद कहाँ जाओगे? सर, अगर मौका मिला तो मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा. ठीक है सर. आपने बताया था कि गोगुंदा जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो बहुत पिछड़ा हुआ है. जी सर. और वहाँ पे आप शायद पहले स्टूडेंट हैं जो अभी आरएस का एग्जाम दे रहे हैं ना? सर, गोकुंद सर, माफ़ी चाहूँगा, मैं सर मेरे गांव का पहला स्टूडेंट. जी सर. है ना, तो गोगुंदा में ही है राव माधव. जी सर. तो गोगुंदा में मैं ये जानना चाह रहा था कि गोगुंदा में किस तरह की समस्याएं हैं
जो बच्चों से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं और जो वहाँ के लोगों से जुड़ी हुई हैं, उस पर काम भी हो रहा है गोविंदा में। उदयपुर के बहुत पास है गोविंदा, 30-35 किलोमीटर है, पर उसके बाद भी मैं दूसरे जब देखता हूँ गाँव तो उनकी अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है गोविंदा आज भी। जी सर, है ना। तो कौन सी ऐसी मोटी मोटी समस्याएं, मुख्य समस्याएं कौन सी हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है और थोड़े बहुत प्रयास किए भी जा रहे हैं, तो तीनों के बारे में बताइए। सर, एक सबसे बड़ी समस्या जो आजकल चर्चा में भी है सर, महिला और बाल तस्करी की समस्या ज़्यादा है गुजरात में। बच्चे और महिलाओं की तस्करी की जा रही है और वहाँ बाल श्रम करवाया जा रहा है उनसे, बच्चों से, और महिलाओं की भी तस्करी हो रही है, उनको वहाँ ले जाके शादियाँ करवा दी जाती है। तो ये समस्या काफ़ी अभी गोगुंदा में और कोटड़ा वाला जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी है, तो इसके ऊपर काफ़ी सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन सर, समाज को भी इसके लिए थोड़ा आगे आना होगा और समाज को भी जैसे जहाँ ये जो घटना है, समस्याएं बताओ आप, है ना। और सर, एक और एक तो ये हो गई बाल तस्करी वाली और महिला तस्करी की, और दूसरी सर वहाँ पर अभी अभी भी शिक्षा का स्तर उतना नहीं है। 42% के आसपास शिक्षा का ओवरऑल जो है और 29% के आसपास महिला शिक्षा का स्तर है, तो इसके अंदर भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। कुपोषण की समस्या भी है गाँवों के अंदर, आज भी महिला और बाल कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। मोर्टेलिटी रेट, ये जो मदर मोर्टेलिटी रेट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी अभी तक काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मदर मोर्टेलिटी रेट यानी MMR जो है वो कितने पे आंका जाता है? सर सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अभी पता नहीं आपको? सर पढ़ा है, पढ़ा है कि वो ज़्यादा है गोविंदा में? जी सर, मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में, लेकिन अभी मैं इसको प्रॉपर डिफाइन कर नहीं पा रहा हूँ, याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। 1 लाख जीवित बच्चों के ऊपर है या ऐसा कुछ? अच्छा जी सर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आपका चयन हो जाता है तो अपन सामाजिक समस्याओं का नाम सुना आपने? सामाजिक समस्याओं में कौन कौन सी समस्या आती है जो भले गोगुंदा हो, भले राजसमंद में हो, उदयपुर में हो, तो आपकी दृष्टि में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनके ऊपर काम करने की तुरंत ज़रूरत है? अपन प्रायोरिटी अगर लिस्ट बनाए ना, तो आपने जो समस्याएं बताई, चाहे वो उसकी हो, बाल श्रम की हो, चाहे जिस तरह के अपहरण की और उस तरह की हो, उसको आप छोड़ दीजिए। आपकी प्राथमिकता की जो सूची बनेगी सामाजिक समस्याओं पे काम करने की, तो उसमें आप कौन कौन सी 3 या 4 समस्याओं पे काम करना चाहोगे? सर, एक तो जो जो महिला समानता की जो बात है उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ पर भी पोस्टेड रहूँ मैं उसके ऊपर काम करूँ। एक समाज में सर ये एक आया, एक ये सोच बनी हुई है कि जैसे मैं जहाँ पहले पोस्टेड था वहाँ पर भी मैंने देखा था कि बच्चे नहीं हुए तो दूसरी शादी करा ली, तो ऐसी समस्या भी मैंने देखी। तो मैंने वहाँ तो अपने लेवल पे जो कर सकता था बच्चों को पूरा उसका साइंस बताया कि कैसे जो डिसाइड होता है, लिंग डिटर्मिनेशन जो निर्धारण कैसे होता है वो समझाता था मैं उनको। तो मेरी ये प्रयास रहेगा इन चीज़ों के ऊपर मैं काम करूँ। दूसरा सर, अगर मुझे अपने पद कर्तव्यों के अलावा मुझे समय मिलता है तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और आजकल एक जो समस्या चल रही है बच्चों में, खासकर इस कोरोना पीरियड के बाद भी, कि वो मानसिक रूप से जल्दी हताश हो रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं अभी मैंने प्रयास भी किया सर। इसके बाद जब ये कोरोना का पीरियड चला, मैं बच्चों से अलग अलग उनके घर जाके भी मिलता हूँ और वो जब निराश होते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है सर, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं उनको अलग मिला के बात भी करता हूँ उनसे। तो डिप्रेशन, 3 ही बातें बताई आपने, 3 चीज़ों के ऊपर आप काम करना चाहोगे ना। आपने समानता की जो बात कही, समानता से क्या मतलब है आपका? समानता से सर ये कि जैसे घर के कोई काम हो गए तो ये महिला ही करेगी, इस टाइप के भी चीज़ें रहती है। और एजुकेशन से रिलेटेड कि बच्चा है तो अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन उसको मिल रही है, लेकिन महिलाओं को नहीं मिल पाती कई बार। मेरी एक स्टूडेंट रही है, मैंने उसका भी देखा है कि वो 82% 12th में होने के बावजूद उसकी शादी कर दी जाती है और फिर उसको आगे नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर सांसद कोटे से प्रधानमंत्री जी से उसको मिलने भेजा, फिर हमने उनको उसके फैमिली को समझाया, तब उसको आगे प्राइवेट एजुकेशन दिलवा रहे हैं वो। ऐसी सर समस्याएँ हैं अभी समाज के अंदर कि क्या करेगी बच्ची पढ़ के, तो इसके ऊपर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जहां मेरी पोस्टिंग रहे और जितना मुझे मौका मिले इस चीज़ों के ऊपर मैं काम करूंगा। ठीक है। अभी आपने डिप्रेशन की बात की। जी सर। तो आप गाने सुनते हैं तो फिल्म भी देखते ही होंगे? मैम काफ़ी टाइम से देख नहीं पाया, पहले तो काफ़ी देखता था। तो डिप्रेशन पे, सुसाइड पे फिल्म बनी थी, क्या नाम था उस फिल्म का? सुशांत सिंह की मूवी थी, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ पा, काई पोछे थी या क्या। अच्छा, और सीरियल देखते हैं?
नहीं मैम, पहले देखता था, एक चंद्रगुप्त मौर्य आता था। ये जो मानव तस्करी आपने लिया या जो भी अपराध समाज में होते हैं उनका आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया कि हकीकत फिल्मांकन करके नाम बदल दिए जाते हैं, सब पे कोई ना कोई सीरियल आता है ऐसा जी। तो एक दो सीरियल के नाम बता सकते हैं? मैम एक सावधान इंडिया आता था पहले, अभी भी आता होगा, मैंने कुछ एपिसोड उसके देखे हैं। और एक बहुत लोकप्रिय है जिसे सब लोग देखना पसंद करते हैं, याद नहीं आ रहा है। अच्छा आपको क्या लगता है जो ऐसे सीरियल आते हैं इनको, क्योंकि बहुत से रिव्यूज ऐसे, जैसे मैं खुद देखना पसंद करती हूँ तो मुझे घर वाले कहते हैं कि इसको नहीं देखना क्योंकि इससे देख के तुम खुद डिप्रेशन में चली जाओगी, आपको क्या लगता है ये सही है? मुझे लगता है कि अलर्ट होते हैं उससे, मेरा सोचना ही है, आप क्या सोचते हैं? मैम ये नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे लगता है कि समाज की जो वास्तविकता है वो समाज के सामने आनी भी चाहिए, देखना चाहिए। जी मैम देखना चाहिए, लेकिन ये है कि हमको ये एक थोड़ा सा देखना चाहिए कि कुछ बच्चे या फिर ऐसा एक वर्ग है जो इनसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है और नकारात्मक उसमें सोच डेवलप हो सकती, तो उनसे इसको थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ फिल्टर लग सके। तो आपने बीएड भी किया है? जी मैम। बीएड में लेसन भी बनाए होंगे आपने? जी मैम। और लेसन में हम उद्देश्य लिखते हैं? जी मैम। कि हम जो लेसन बना रहे हैं किस उद्देश्य से बनाते हैं, तो किस तरह के उद्देश्य होते हैं बता सकते हैं? मैम व्यवहारगत परिवर्तन बच्चे में क्या हो रहा है, बोधगम्यता बच्चा सीख रहा है उसके अंदर कुछ जैसे भाग किए हुए थे ना बीएड में, जो उद्देश्य वो तीन भागों में बांटा गया था। जी मैम याद नहीं आ रहा है अभी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा थोड़ा सा अमेरिका के चुनाव हुए अभी? जी मैम। किसके चुनाव हुए अभी अमेरिका में? मैम अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है अभी। तो आपने भारत में कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की देखे? मैम यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो गोपनीय, ये सांसद और विधायक जो होते हैं हमारे वो करते हैं। ऐसा क्यों? एक अमेरिका में तो अलग तरीके से हो रहा है, हमारे यहाँ अलग तरीके से हो रहा है, रीज़न क्या है इसका? मैम हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का जो पद है वो एक प्रतीकात्मक और संवैधानिक प्रमुख का पद है, जबकि कार्यकारी प्रमुख हमारे देश में प्रधानमंत्री जी होते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर जो शासन व्यवस्था का जो कार्यकारी प्रमुख है वो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। तो इस व्यवस्था का कुछ नाम है? भारत में कोई अलग व्यवस्था है, वहाँ कोई अलग व्यवस्था है? जी मैम वहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। अच्छा अच्छा, और क्या संसदात्मक व्यवस्था के और क्या लक्षण है जो भारत आप देखते हैं भारत की शासन व्यवस्था? मैम यहाँ पर जो विधायिका होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका? सॉरी मैम याद नहीं आया था। थैंक यू। जी सर आप तो अपने माँ बाप की सारी बातें अक्सर से मानते हो, लेकिन आजकल एक बड़ी शिकायत आ रही है कि माता पिता को वृद्धाश्रम तक भी भेजा जा रहा है। उनको घरों से जो कि उनको सेवा करनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही है वर्तमान में कि वृद्धाश्रम तीव्र गति से खुल रहे हैं, ऐसे माता पिता की के प्रति ऐसी भावना कि उनको घर से ही निकाल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? सर जो मैं इसका कारण समझता हूँ, हो सकता है मैं उसको इतने अच्छे तरीके से लेकिन जो मैं समझता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि सर बचपन से ही हमारे अंदर कुछ ऐसे संस्कार या फिर हम ऐसे साहित्य के प्रति हमारे जो धर्म के जो साहित्य है उनसे हमारे जो संस्कृति है उससे हम कितने जुड़े हुए हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति से कितने प्रभावित हो रहे हैं इसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। प्रश्न ठीक है, अब ये बताओ कि उसमें माता पिता द्वारा बालकों का सही ढंग से पोषण नहीं किया गया तो उसमें माता पिता दोषी है या कोई और दोषी है? सर माता पिता समाज और व्यक्ति स्वयं तीनों दोषी है इसमें। तीनों दोषी? जी सर। अच्छा आप चाहते हो कि ये वृद्धाश्रम बंद हो जाए, इसके लिए आपको एक उपखंड अधिकारी के तौर पर आपको ऐसे 10 केस मिल गए जो 10 माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेजे गए, आप उन बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए आपको भेजे जिन्होंने भेजिए, तो उनको आप कैसे समझाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे तो उनको क्या 5 बात बताएंगे? सर मैं उनसे जब मिलूंगा तो सबसे पहले तो उनको ये बताऊंगा कि हमारे को इस दुनिया अगर हमको देखने का मौका मिला तो इन माता पिता की वजह से ही मिला है, पहली बात। आज हम जहां पर पहुंचे हैं इनकी वजह से ही पहुंचे हैं, दो। और तीसरा सर उनको ये भी बताऊंगा कि जैसा हम अपने माता पिता के प्रति कर रहे हैं
तो हमारी जो जनरेशन आगे आने वाली जो हमारे बच्चे हैं वो उस चीज़ को देखेंगे और वो उस चीज़ से वही शिक्षा लेंगे जो आज हम उनको दे रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा हम उनके हमारे माता पिता। तीसरी बात, चौथी सर, समाज जो कुछ कानून भी ऐसा बना हुआ है जो वृद्ध लोगों की सुरक्षा से संबंधित है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर उसको, तो उसके बारे में भी उनसे उनको कि अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो आप उन उस कानून के तहत भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आप गोगुंदा से बिलोंग करते हैं, नाना प्रताप जी का नाम सुना? जी सर। एक जयपुर घराने ने अकबर के साथ सहज ही बिना संघर्ष के ही समझौता कर लिया जिससे जयपुर घराने को किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति नहीं हुई और वो बहुत बड़ा समृद्ध हो गया। महाराणा प्रताप जी को जब इस प्रकार का ऑफर था कि केवल आपको एक अधीनता के रूपी स्वीकार करना है, न किसी प्रकार की कोई उपस्थिति देनी है, न किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित करना है, तो पूरे मेवाड़ को उन्होंने युद्ध में झोंक दिया और इतनी बड़ी क्षति हुई, तो महाराणा प्रताप जी के निर्णय को आप कैसे देखते हैं? सर, मैंने जो जितना इनके बारे में पढ़ा है, आपकी व्यक्तिगत राय चाहते हैं? सर, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि व्यक्ति का खुद का निर्णय जो होता है कि वो किस चीज़ को अपने जीवन में महत्व देता है, उन्होंने अपने जीवन में स्वाभिमान को अधिक महत्व दिया और उन किसी आक्रमणकारी के सामने सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया, इसलिए मेरे नज़र में उनका निर्णय उचित था। और सर, उस समय जो सभी सरदार होते थे वो मिलकर एक सामूहिक निर्णय लेते थे, तो उस मेवाड़ के ज़्यादातर सरदारों का भी यही मानना था कि हमें किसी जो मुगल सत्ता की गुलामी नहीं करनी और हमें अपना स्वाभिमान बचाना है। माउंट आबू और गोगुंदा के बीच में ऊंचाई में कितना अंतर है? माउंट आबू ऊपर टेम्परेचर जनरली गोगुंदा का टेम्परेचर राजस्थान के अन्य भागों से कम रहता है सर, तो कितनी ऊंचाई का अंतर है आपको वहाँ की कुछ? हाँ सर, एग्जैक्ट तो पता नहीं है लेकिन ये सुनना है कि काफी कम अंतर ही है, 1-2 फीट का या ऐसा कुछ एग्जैक्ट। अंतिम क्वेश्चन है हमारा जी सर, आपने डिप्रेशन की बात कही तो हम भी डिप्रेशन से एक सवाल पूछ लेते हैं। जी सर, अमेरिका सबसे समृद्ध देश है जी सर, वहाँ किसी प्रकार की बेरोजगारी नहीं है और एक शोध के अनुसार, सर्वे के अनुसार विश्व के सर्वाधिक डिप्रेशन के मरीज अमेरिका में पाए जाते हैं, क्यों? सर सॉरी सर, मुझे भी याद नहीं। अखबार पढ़ा है उसका? जी सर। कौन सी हेडिंग कौन सी थी? सर हेडिंग एक नकारात्मक हेडिंग सबसे पहली पढ़ी मैंने, एक पुलिस अधिकारी के बारे में पढ़ा था जिनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई, और दूसरा सर एक अमेरिका के जो रक्षा सचिव है उनका भारत दौरे के बारे में पढ़ा था मैंने, और एक भारतीय क्रिकेट टीम ने कल सीरीज जीती है T20 सीरीज। कोविड को लेकर कोई हेडिंग थी? जी सर, कोविड के बारे में भी, कोविड के काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में। कौन से जिलों में बढ़ रहे हैं? जयपुर, उदयपुर और जयपुर और उदयपुर में और डूंगरपुर। वैक्सीनेशन का क्या सेटअप है अभी? किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? एक आम आदमी को अगर वैक्सीनेशन के लिए जाना है, सर, प्रक्रिया से सर एक कोविन ऐप बनाया हुआ है, उसके ऊपर लॉगिन करके उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद वैक्सीनेशन कराया जाता है। केवल रजिस्ट्रेशन से हो जाएगा? सर एक अभी जो है 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ही वैक्सीनेशन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और मैंने सर अभी एक मेरे डॉक्टर दोस्त है, डॉक्टर है, उनसे बात की तो वो यूँ कह रहे थे कि 10 जने अगर है तभी वैक्सीन का वो ओपन होता है और 10 जनों की एक साथ वैक्सीन होती है, वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, थैंक यू सर।